बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप? आज हम आपको मज़ेदार झटपट सा बैंगन गोश बनाने सिखाएंगे, तो चले से बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्तन में मैंने 2 टेबल स्पून घी ले लिया है, तकरीबन 125 ग्राम है। इसे गर्म कर लेंगे, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। गर्म हो चुका है, इसमें हम दरमियाने साइज का प्याज बारीक स्लाइसिस करके कर करके डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी लाइट पिंक फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं ये मीट शामिल करूँगा, जो आधा किलो मीट है, ये बीफ का मैंने इसे बॉईल कर लिया था, ये गला हुआ गोश्त है, तो ये शामिल कर देंगे। इस तरह करने से आसानी हो जाती है और आप जल्दी से खाना बना लेते हैं। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, एक दरमियाने साइज का टमाटर से बारीक स्लाइसिस में कट करके शामिल कर देंगे, एक तेज़पात ये शामिल कर देंगे, एक टीस्पून जीरा ये शामिल कर देंगे, एक टेबल स्पून पीसी मिर्च ये शामिल कर देंगे, एक टेबल स्पून पिसा धनिया ये भी शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून हल्दी ये शामिल कर देंगे, एक टी स्पून नमक ये शामिल कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, जब तक कि मसाला और टमाटर हमारे अच्छे से भुन ना जाए। तो आँच तेज़ करके इसकी भुनाई कर लेंगे। गोश्त गला हुआ है, अगर आपका गोश्त गला हुआ ना हो तो इस स्टेज पर आप भुनाई करने के बाद पानी शामिल करके गोश्त को गला लीजिएगा। मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। और ये गोश्त मेरा गला हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उबाल कर रखा था। अगर आप इस तरह से अपने गोश्त को बॉईल करके रख लेते तो खाना बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। मेहमान आते हैं, झटपट से आप बस कुछ भी बना सकते हैं। सिंपल, आपने गोश्त को बॉईल करके रखना है, पैकेट बनाकर फ्रिज में रख, तो ये तरीका भी मैं आपको बहुत जल्द अपनी वीडियो पर अपलोड करूँगा। तो इसकी हम बुनाई कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए, मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और टमाटर भी इसमें घुल चुके हैं। अब हम इसमें ये आधा किलो बैंगन मैंने धोकर और इसे नॉर्मल कट कर लिया है, इस तरह से मोटा मोटा स्लाइसिस में। तो आप अपने मर्जी के मुताबिक लीजिएगा, ज़्यादा छोटे साइज के मत काटिएगा। और इस तरह नज़र आ रहे हैं, इतने बड़े इस तरह भी कर सकते हैं। 2-3 पीस मैंने ऐसे रखे और सारे पीस मैंने इस तरह के रखे हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से कट कर लीजिएगा और इसे काटने के बाद पानी में डालकर रखिएगा, या उसी टाइम तक काटिएगा जब आपने डालना है, वरना ये काले पड़ जाते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, पानी ज़्यादा शामिल नहीं कीजिएगा, सिर्फ 1 गिलास जितना शामिल कीजिएगा। पानी 1 गिलास शामिल कीजिएगा, जितना नज़र आ रहा है, पानी ज़्यादा शामिल नहीं कीजिएगा। और ये 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कट करके ये शामिल कर देंगे और इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए दरमियाने आंच पर पकने देंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस हमने इसे बैंगन को खड़ा खड़ा रखना है। ज़्यादा देर पकाएंगे तो बैंगन घुल जाएगी, बहुत जल्दी गल जाता है। 15 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देखेंगे। तो देखिए, ये रेडी हो चुका है, फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। मैंने 15 मिनट ये भी ज़्यादा रखा है, आप 10 मिनट तक रखिएगा इसे, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ग्रेवी भी इसमें ठीक है, जितनी मुझे चाहिए थी ये देख सकते हैं आप, और बैंगन भी गल चुके हैं। मैंने 15 मिनट तक इसे कुक किया था, तो आपने 10 मिनट करना है सिर्फ, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं। ज़्यादा नहीं गलाने, वरना मैशी हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अब हम इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला शामिल कर देंगे ऊपर से, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ये ऊपर से शामिल कर देंगे। तो ये रेडी है, इसको मिक्स कर लेंगे हम हल्का सा। अब मैं इसे सर्व करके दिखाता हूँ। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार यमी सा चटपटा गर्मा गर्म झटपट बैंगन गोश्त बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है, इसका लुक देखें। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी आपको अच्छा लगता है उस मर्ज़ी से आप खाएं। और आप इसे बीफ या मटन में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, गोश्त को बॉईल करके रख लीजिएगा, इस तरह आसानी हो जाती है, आप झटपट से कोई भी सालन बना सकते हैं। तो मैंने इसे हर धनिया से गार्निश कर दिया, आप देखें
कितना ज़बरदस्त बना है। बैंगन भी हमारी मैशी लिए खड़े हुए हैं और गल चुके हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।